आया था ये गाड़ी का धंधा करके चार्जिंग में लगाई और संभला कर गया था वहाँ पर, और सुबह आकर देखा था मेरी गाड़ी मिली नहीं, और छानबीन थाने में भी गया था, थाने वाले ने बोला कोतवाली जाओ, कोतवाली में इन्होंने वो रिपोर्ट दर्ज नहीं करी मेरी, वहाँ पर जाकर इन्होंने कच्चे कागज पर लिखा इन्होंने बोला शाम को आना छानबीन करेंगे, फिर इन्होंने फिर मेरे को चिंता हो गई, फिर मैं गाड़ी को ढूंढने निकल गया था, फिर छानबीन करी, इनको पूछा कवाड़ी वाले को, कवाड़ी वाले को वहाँ देखो लोहार बस्ती में गए, वहाँ पर हमने देखा तो मेरे को दूर से नज़र आई मेरी गाड़ी, वहाँ पर लावारी साहब में मिली, वहाँ पर मैंने चेक करा तो मेरी गाड़ी की बैटरी नहीं मिली, वो गायब हो गया कंट्रोलर, सामान था 28,000 का सामान, 28-30 हज़ार का बैटरी रहे, वो 2,000 का गाड़ी का कंट्रोलर गायब हो गया। क्या है ये ई रिक्शा है क्या? बैटरी ई रिक्शा है, गाड़ी नंबर 3 बिना बैटरी के नहीं चल सकता, बिना बैटरी के बिगड़ नहीं चल सकता, सब काम बैटरी पर ही चलता है, कंट्रोलर से, और गाड़ी नंबर 323 से मिली। इसके बारे में आपने फिर थाने में और बताया? थाने में इंफॉर्मेशन भी दी थी, मैंने कहा साहब इसके थाने में रिपोर्ट है, फिर हम मागरवाली थाने पर गए थे, वहाँ से हम जानकारी ली थी, उन्होंने बोला कोतवाली में जाकर वहाँ पर सूचना करो, वो लेकर आएंगे, अभी उनको फ़ोन पर सूचना दी, उन्होंने कहा साहब गाड़ी मिल गई तो ठीक है, हम आदमी भी नहीं भेजा वहाँ से, फिर हम टॉर्चिंग करके वहाँ से गाड़ी को लेकर आए, 2-3 घंटे लग गए मेरे को लाते लाते वहाँ से, आए दिन चोरी होती जाती रहती है, वारदात होती जाती है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, गरीब आदमी है, इसी से परिवार चलाता हूँ, 2 बच्चे किराए पर मकान रहता हूँ, मैं कहाँ से भुगतूंगा इसका, मेरे को जाना मिलना चाहिए। आपका नाम? राजेंद्र कुमार चौहान। कहाँ रहते हो? पुलिस लाइन चौराहा।